अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शानी मीर थाईलैंड से। व्यूअर्स, आज मैं आया हूं वेडिंग पे। जोया की कज़न की हालाजात बेटी की जो है शादी है आज। लेकिन शादियां तो मैंने आपको बहुत सी दिखाई होंगी, इसमें जो ख़ास बात ये है वो ये है कि ये शादी स्कूल में हो रही है, यानी जिस स्कूल में वो पढ़ती थी बचपन में, जो 9th-10th तक होता स्कूल, और उसी में आज जो है वो शादी हो रही है। इसकी वजह ये है कि थाईलैंड में जो है आप स्कूल रेंट कर सकते हैं शादी के लिए, अगर छुट्टियां वगैरह स्कूल में, तो अब छुट्टियां थी स्कूल में, तो आप देख सकते हैं ये पीछे टेंट लगे हुए हैं और ये सारा स्कूल है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो है आपको दिखाएगी, तो व्यूअर्स आपने देखा कि ये स्कूल है और स्कूल में ही जो है वेडिंग हो रही है। तो अभी जो है आपको ये देखें, टेंट भी लगे हुए हैं और उस तरफ जो है इनने खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। पहले आपको वो दिखाता हूँ और फिर जो है उसके बाद आपको अंदर से दिखाता हूँ जाके। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनने एक छोटा सा टेंट लगाया हुआ है जिसमें खाने वगैरह बनेंगे। बाकी इनका ये होता है कि एकदम से लोग नहीं आते, सारे इकट्ठे नहीं आते, इनका फंक्शन एक दिन होता है, सुबह से ले कर शाम तक जो है ना लोग आते जाते हैं, खाते जाते हैं, पैसे देते जाते हैं और जाते जाते हैं। और ये एक दिन का यहाँ पे शादी का फंक्शन होता है और रात तक चलता है वो फंक्शन, यानी रात 12-1 बजे तक डांसिंग वगैरह करके फिर पार्टियाँ ख़त्म होती हैं। तो अभी बारात का वेट कर रहे हैं, बारात इकट्ठी आती है लेकिन उसमें भी जो खाते जाते हैं वो जाते जाते हैं, इसी तरह होता है। जिन जो उनके अजीज़ होते हैं वो सिर्फ रात तक स्टे करते हैं दुल्हन के साथ। तो अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, अच्छा सेटअप इन्हें बनाया हुआ है। ये नाम लिखा हुआ है, ये लड़की का नाम है, ये लड़के का नाम है। तो व्यूअर्स अभी बारात आएगी फिर आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स अभी बारात आ चुकी है, ये सब इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और ये पटाहे वगैरह भी जो बराती हैं वो चला रहे हैं, और ये बस इतने से ही पटाहे वगैरह चलाते हैं, बाकी डांसिंग वगैरह ही होता है। तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, ये जो सारा अरेंजमेंट है, ये गाड़ी जो है ये जोया के हालो की है, इसने म्यूज़िक लगाया हुआ है, और ये डांस वगैरह जो कर रही हैं ये भी सारी लड़की की तरफ से हैं, क्योंकि लड़के वाले जो है ना वो थोड़े सीधे साधे हैं, अम्मी अबू दोनों टीचर हैं, तो इसलिए उनके साथ कोई ज़्यादा लोग नहीं आए। तो जो आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं अभी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे जितनी भी औरतें हैं ये सारी लड़की वालों की तरफ से हैं, कुछ हमारी रिलेटिव्स हैं, कुछ आगे फ्रेंड्स हैं। तो ये पीछे जो लाइन बना के आ रही हैं ये हैं लड़के वालों की तरफ से, और इनके पीछे पीछे जो भी लोग हैं वो लड़के वालों की तरफ से आए हैं। तो ये जो इन्हें हाथ में पकड़े हुए हैं गिफ्ट्स, ये ट्रेडिशन है इनका, गिफ्ट्स इस तरह से बना के लेके आते हैं लड़की के लिए, लड़की वालों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं, कुछ स्वीट्स होती हैं इनकी, जिस तरह हमारी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं। ये देख सकते हैं आप, गन्ने भी काट के छोटे छोटे उसके भी बनाए हुए हैं, और कोकोनट्स हैं। तो ये है जी लड़का, और ये लड़के के दोनों तरफ माँ बाप हैं आप देख सकते हैं। तो लड़के के दोस्त भी सिर्फ 3 दोस्त थे, तो बाकी कुछ जानने वाले। तो ये लड़कियां अब खड़ी हैं जी लड़की वालों की तरफ से, ये होता है इनका, ये रास्ता रोकती हैं, ये आपने अभी आपको डिटेल से दिखाऊंगा सारी वीडियो। ये देखिए अभी रास्ता रोका है, तो उसे बता रही हैं कि आपने ये करना है फिर आगे जाने देंगे। तो उन्हें कोई गाना बताया, उस पर डांस करना है, तो फिर वो पैसे भी साथ साथ देते हैं, उन्हें लिफाफे बनाए होते हैं तो वो पैसे फिर देते जाते हैं हर रास्ता रोकने वाली को। तो अभी आप देख रहे हैं वो दिखा रही है उसे कि इस गाने पे डांस करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी सब जो दोस्त होते हैं लड़के के साथ वो भी करते हैं और लड़का भी करता है, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी उनको पैसे मिल गए हैं, वो साइड पे हो गई हैं, आगे पीछे वाले जो हैं उन्हें रोका है।
यानी इस तरह थोड़ा शुगर मेला होता है, वो कुछ कहती हैं कुछ फनी करने को। तो ये एक फनी सॉन्ग है जो भी फेमस है टिकटॉक पे, तो ये उन्होंने बोला था उस तरह करो। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी ऊपर जा रहे हैं, यानी स्कूल में ही जो मीटिंग रूम है उसमें ही बैठ के ये सारा जो भी बात होती है, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, तो वो सारा वहाँ पे होगा अरेंजमेंट। ये आप देख सकते हैं, ये इनके मंग लोग आए हुए हैं, ये जो इबादत करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो ये वो लड़के वाले लेके आए हैं ये भी। तो अभी बैठ के बात चल रही है, लड़के वाले कितने पैसे रखेंगे और कितना जेवर वगैरह लेके आए हैं, वो सब कुछ अभी दिखाया जाएगा सबको। तो लड़के वाले जो हैं वो 5 लाख बाट लेके आए थे और कुछ जेवरात लेके आए थे, ये इस तरह से रखे जाते हैं सामने, लड़की को दिए जाते हैं। और ये लड़की की अम्मी हैं जो पीछे बैठी हुई हैं और साथ नानी हैं, तो 2 लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो हैं। तो व्यूअर्स, अभी रात को डांसर्स भी आए हुए हैं, पार्टी भी होगी, तो वो भी आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। มีพี่น้องทั้งหมด2 คนเป็นบุตรคนที่2ของคุณแม่อุไรหนูมีและคุณพ่อระเบงมณีบุญสว่างतो व्यूअर्स, इस तरह से दुल्हा दुल्हन जो है वो स्टेज पे आके तो मेहमानों को अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, यानी उनका थैंक्स वगैरह। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये लड़की दुल्हन जो है ये गुलदस्ता फेंकती है पीछे, और इसकी दोस्तों में से जो भी कैच कर लेती है, इनका मानना है कि उसकी शादी नेक्स्ट उसकी शादी होगी, यानी इनका बस यकीन है।
तो व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी सिर्फ एक ही दिन की होती है, सुबह शुरू होती है और रात को ये डांसिंग वगैरह के बाद ख़त्म हो जाती है, और ये एक दिन में दो ड्रेसेस चेंज करते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि थाईलैंड की इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मेरे चैनल पर बहुत सारी इसी तरह की थाईलैंड के हवाले से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, थाईलैंड में इनके ट्रेडिशन के हवाले से या इनके खानों पीनों के हवाले से। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फल हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, वो सिर्फ थाईलैंड या इसके हमसाए ममालक में पाए जाते हैं। तो मेरा चैनल आप विज़िट करके देख सकते हैं।